उधर बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद दारा सिंह चौहान ने जी यूपी उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। वहीं उन्होंने अखिलेश की पीडीए यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अब पिछड़ों को कोई ठग नहीं सकता। दारा सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप नामांकन करके निकले हैं उपचुनाव का, क्या जिम्मेदारी है अभी, क्या चुनौती है आपके सामने? नहीं, अभी तो मैं मदना सा कार्यकर्ता हूं। आज मेरे ऊपर इस देश के राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने जो भरोसा किया है, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे पी नड्डा जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्या जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे घटक दल के जो नेता हैं माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय आशीष पटेल जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिन लोगों ने आज इस नामांकन में शामिल होकर के भरोसा दिया कि आने वाले दिन में विधान परिषद की सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही, और जो पूरे हमारे घटक दल के लोगों ने भी संकल्प लिया है कि 400 के पार इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भरोसा दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश के 80 के 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी। मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात हो रही है, अब कहा जा रहा है कि आपको ओम प्रकाश राजभर को अब जगह मिलेगी। पिछड़ा दलित की आप बात करते हैं, पिछड़ा दलित की अखिलेश यादव पीडीए यात्रा निकाल ले पिछड़ों दलितों के, अब पिछड़ों को कोई धोखा नहीं दे पाएगा, यानी कि अखिलेश यादव की ये जो यात्रा है ये असफल। आज पूरा पिछड़ा मोदी जी के साथ खड़े हैं।